अभी आप एक बार फिर से देख लें जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बच्चों ने इसके आंसर नॉट रियल किए थे, बिल्कुल करेक्ट थे। क्लास 10 तक अपन ने यही सीखा था, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट -3 आता है, विच इज नेगेटिव। तो ये लाइन अपन जानते थे कि इफ डी इज नेगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल। बट यदि आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 होल अपॉन 2 आपको मिलता है, मतलब -3 का रूट आता है। और तो चूंकि नेगेटिव नंबर्स के रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए आप नॉट रियल बोलते। Now in class 11, by Euler mathematician, root -1 को आयोटा कंसिडर किया उन्होंने, और आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, और इसलिए आगे से हम रूट ओवर -3 को √3i लिखेंगे। और जब आप ये √3i लिख देते हैं तो now your root becomes x equals to -1 प्लस √3i बाई 2 और -1 माइनस √3i बाई 2। दो रूट्स मिले और दोनों में आप देख रहे हो केवल फर्क इतना ही है, एक में प्लस √3i आया और दूसरा रूट में माइनस √3i आया। तो इस बात से हम एक फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जो अपन ने नेचर ऑफ रूट्स का हेडिंग पढ़ा था, ये हेडिंग डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर नॉट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल इक्वल, और डी लेस देन जीरो तो आप 10 तक लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। बट अपन क्या लिखेंगे अभी इसमें, रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट, हमेशा रूट्स पेयर के फॉर्म में आते हैं, इमेजिनरी कॉन्जुगेट मिलेंगे। रूट्स ऑलवेज इमेजिनरी कॉन्जुगेट। इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट कैसे लिखेंगे तो वो आपको मैंने बताया, क्योंकि एक रूट आप ए प्लस आई बी लोगे तो दूसरा ए माइनस आई बी। ये अपन ने नेचर ऑफ रूट में एक बात सीखी। अब इतनी बात में आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सांगा लोकल लोकल सांगा दिशा लांबा, समझ गया बेटा आपको? दिशा yes, sir. दिशा लांबा, चलो खैर आवाज नहीं आ रहा। दिशा मेश्राम, yes, sir. Okay. हाँ बोलो दिशा लांबा, समझ गया बेटा तुमको? हाँ सर। ओके अंकिता, यस सर समझ गया। ओके ऋषि, तुमको क्लियर है? हाँ सर। ओके और किसी बच्चे को कोई डाउट? मिताली बोलो। सर वो आपने नहीं के लिखा है द रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेटेड, देयरफॉर इफ वन रूट ऑफ क्यू इज ए प्लस आई माइनस बी लिखा है क्या? ए प्लस आई बी लिखा है और दूसरा ए माइनस आई। पहला जो रेड कलर से अंडरलाइन है वो ए प्लस आई बी है, और दूसरा जो रेड कलर से अंडरलाइन है ये ए प्लस आई बी है। पहला वाला ए प्लस आई बी और दूसरा वाला ए माइनस आई बी। ठीक है मिताली? हाँ सर समझ गया। ये दीप बात, दीप बोलो क्या बोलना है, हैंड रेस किया? सर गलती से हो गया। ओके चलिए और किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। फिर से गलती कर रहे हो दीप बात, फिर से एंड दे तरह। चलिए तो एक तो बात आपका ये हो गया। अब मैं इसको कल की थ्योरी से एसोसिएट कर रहा हूं। कल जो आप सभी ने पढ़ा उसमें मैंने आपको टेंथ का रिवीजन कराया था, और वो मैं एक बार यहां पर लिख दे रहा हूं। इन दोनों बातों को मिला के फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। तो कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है और वो फॉर्मूला था आपका
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, तो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ये अपन ने कल पढ़ा When we have to find the quadratic equation, जिसके roots हमको दिए हैं alpha और beta, तो हम ये formula में alpha beta का value डाल देते हैं and we get the answer. ठीक है, तो ये formation of quadratic equation. और दूसरा आज आपको मैंने एक बात बताई कि जब आपको roots sorry capital D discriminant negative होगा तो roots imaginary conjugate होंगे. इन दोनों बातों को मिला के अब मैं आपको एक question दे रहा हूँ and you have to answer it. कोई और डाउट किसी के मन में कुछ पूछ लो, नए बच्चे हैं, कोई और सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन देने के पहले। चलिए ओके सर, हाँ बोलो स्वयं बोलो। अगर रूट्स डी माइनस डी लेस देन जीरो में रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी पर बेस्ड, ठीक है ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? यस सर ओके। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एक्चुअली तो सेकंड है, एक तो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दो डाल लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड करिए, क्वेश्चन ध्यान से जो भी मैंने आज बोला आपको वो सबको मिला जुला के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड, आप कोशिश करिए कि आपका आंसर पहला हो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज वन रूट इज टू प्लस थ्री आई। क्वेश्चन खत्म हो गया, यू हैव टू आंसर इट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपना माइक म्यूट करेंगे और कुछ देर बाद अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है? यू हैव 3 मिनट्स फॉर इट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक आंसर आ भी गया मेरे को, नहीं सात्विक, यू हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट द सेकंड रूट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट आपको 2 प्लस 3 आई। सर पेज थोड़ा नीचे कीजिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो ऊपर मैंने फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा है उसके लिए दोनों रूट रिक्वायर्ड हैं। तो मैं यदि ये गिवन रूट को अल्फा नाम दे देता हूं 2 प्लस 3 आई, तो अपन जानते हैं कि जो दूसरा रूट होगा वो इसका कंजुगेट होगा 2 माइनस 3 आई। ये सब तो आप अब सभी बच्चे समझ गए। देयरफोर
required quadratic equation is, क्या होगा फॉर्मूला, x square minus दोनों रूट्स का सम 2 plus 3i में 2 minus 3i को ऐड करना, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 प्लस 3i और बीटा मतलब 2 माइनस 3i, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस का 3i माइनस के 3i से कैंसिल हो जाता है, तो ये अब आपका एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 4 x, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा, राइट हैंड साइड में 0। नाउ व्हेन वी सॉल्व फर्दर, अब इनको तो कुछ नहीं करना, ये तो आई गए हैं, ये तो और कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप इनका, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एस तक रखेंगे, प्लस ये टू टू या फोर हो जाएगा और माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर आएगा। बहुत बच्चे यहाँ तक पहुंच गए थे, इसके आगे नहीं जा पा रहे थे, तो आपको ये बताया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो वो मैं यदि यहाँ डाल देता था तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, और आयोटा स्क्वायर को माइनस लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से वी गेट अवर आंसर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर आंसर, ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछिए, ये क्वेश्चन विथ आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों रूट्स नहीं दिए जाएंगे, ओनली वन रूट इज गिवन, और विद दी हेल्प ऑफ दिस रूट आप दूसरा रूट फाइंड कर सकते हो। व्हेन वी गेट बोथ दी रूट्स देन वी गेट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप में से किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई इशू गया, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी। सर वहां पे 13 कैसे आया, 4 प्लस माइनस क्या बोले, 13 9 और 4 कितना होगा, नहीं वो नहीं, हाँ तो सेकंड स्टेप में कौन सा सेकंड, अरे ये देखो ये जो 4 माइनस 9 आई स्क्वायर, हाँ देख लो देख लो देख लो, 4 माइनस 9 आई स्क्वायर था, ठीक है, तो ये 4 माइनस 9 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, ये बताया था ना, तो आई स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख दिया, ठीक है, अब माइनस इनटू माइनस क्या होता प्लस, समझ गया, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। चलिए और कोई डाउट किसी को पूछ लो, एनीबॉडी। चलो एक और सवाल आपको देता हूँ, अब सभी लोग आंसर करना, लास्ट कंसेप्ट यही तो है, ये जन बंधु अभी तो बताया आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन लिखा और 4 प्लस 9 13 हो गया, ठीक है यश, एक और क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज वन रूट is 1 plus i, sir bolo Sumit kya bol rahe hain, Sumit Sajne sir galti se ho gaya na, lapraat lapraat sanga jara answer, you have to find the quadratic equation whose one root is 1 plus i,
ओके अंशु चेक करो, दिशा करेक्ट है, वेदांशु करेक्ट, आर्यन करेक्ट, विघ्नेश करेक्ट, अथर्व करेक्ट, पहले और कोई सर मेरा आंसर पल्लवी करेक्ट, यश राम जी के करेक्ट, और कोई था क्या? नहीं, पल्लवी करेक्ट है, यश राम जी के करेक्ट है। अंशु, अंशु चेक करो सर, मैंने भी एक मिनट। वेदांशु करेक्ट, आर्यन गणवीर करेक्ट, विघ्नेश करेक्ट, अथर्व करेक्ट, तन्वी परमार करेक्ट, सात्विक करेक्ट है, दिशा लांबा, संकेत उमरेडकर, दिशा लांबा चेक करो बेटा राउंड, संकेत उमरेडकर करेक्ट, सानिया करेक्ट, निरीक्षा करेक्ट, मयन करेक्ट, सॉरी मयन चेक करो, अद्वितेश करेक्ट है, अंशु बगने करेक्ट है, अभी सानिया करेक्ट, आपके बहुत बच्चे हिमांशु करेक्ट सर, मैंने भेजा। अच्छा चेक करो बेटा, हर्षल चेक करो, अक्षत और हर्षल चेक करो, तनिषा करेक्ट, अभिषेक चेक करो, डिंपल जुगेले करेक्ट, स्वयं करेक्ट, सॉरी स्वयं चेक करो बेटा, ऋषिका चेक करो, अभिषेक चेक करो, अलग अलग आया तुम्हारा दोनों, वैष्णवी करेक्ट, रोशेश इसको फर्दर सॉल्व करो, रोशेश, तनुश्री चेक करो, मयंक करेक्ट है, स्वयं कामले चेक करो, मिताली चेक करो, हर्षल चेक करो, मनप्रीत चेक करो, अक्षत चेक करिए, अभिषेक करेक्ट, दीप बात करेक्ट, ये जनबंधु चेक करो बेटा, तनुश्री चेक करो, हर्षल चेक करो, ऋषि करेक्ट है, हाँ ऋषि का चेक करो, यस जनबंधु करेक्ट है, अभी चिंता नहीं आया वो देख लीजिए, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, ये पहला पेज का स्क्रीनशॉट लो, हो गया? यस सर। ये सेकंड पेज ले लो, ले लिए। हाँ
हो रहे 2 मिनट और ये ला ठीक है गुड नाइट सर।